तो आप आगे चलो भाई, जतिन की बाइक रिलीज होने वाली है, कितना खुश है देख रहे हो, दो दिन से इसका मुंह टट्टी से हो रहा था, काले काले चुत्तड़ हो रहे थे। उधर से क्या हुआ, उधर से क्या हुआ भाई को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, रेस लगाते हम तो थाने आ रहे बाइक छुड़वाना अपनी, ऑर्डर लेकर आए रिलीजिंग कोर्ट से, नहीं रेस वेस करते भाई अपना, बस ब्लॉगिंग करते हैं सिंपल अपना नॉर्मली। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सोलो राइड करेंगे दिन में, तो एक दो काम भी है, वो काम भी कर करते हैं। सबसे पहले नहाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, 2 रुपये वाला हेड एंड शोल्डर लगाएंगे और काम 35 कर देंगे। आज डब नहीं है तो घर में बच्चे फ़ोन में लग रहे दोनों, और मैं चलता हूँ जल्दी से नहा के आता हूँ, मिलता हूँ आपसे अभी। जी तुम्हारा भाई राजा हो गया तैयार। तो भाई थोड़ी सी अपडेट भी देनी है, कल हमारी बुलेट सीज हो गई है और सीज होने के बाद उस पर 14,500 का चलान हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। मेरी बाइक तो ले गया था ऋषभ, तो जतिन की बाइक मैं ले आया था बुलेट। तो भाई मैं आ रहा था पट 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 करता हुआ, झूठ नहीं भाई देखो सच बोलता हूँ मैं, झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं, जतिन की बाइक थी मेरे पास भाई, उसका हुआ 14,500 चलान। देखो ये देखो 14,500 का अमाउंट पेंडिंग 14 मई, देख लो कल रात हुआ है। बहुत तगड़ी दिक्कत होगी, कोई नहीं भाई ये भी छूट जाएगी। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले मोदीपुरम, मोदीपुरम से आऊँगा सिगड़े, माँ भाई रहे उनसे मिलूँगा, उसके बाद अपनी राइड थोड़ी बहुत होगी जो होगी, उसके बाद घर आके बच्चों के साथ करूँगा फिल्म में। तो भाई फाइनली घर से निकल चुके हैं, मोदीपुरम वाला काम वो सब करके आ गया था मैं बहन के घर वाला, तो अब जा रहे हैं हम पहले ऋषभ के घर, ऋषभ के घर से जाऊंगा भाई ATM से पैसे निकालने हैं, और एंड ऑफ द एंड हम जाएंगे फिर कोर्ट, कोर्ट से भाई रिलीजिंग ऑर्डर ले आने बाइक के, जो हमारी बुलेट सीज हुई थी 14,500 का चलान हुआ था भाई। तो ऑर्डर लेने के बाद हम आएंगे थाने, थाने से बाइक रिलीज कराने के लिए, फिर भाई यहाँ से बाइक निकाल के अपना डाटा बाय बाय सब मैटर खत्म, फिर कोई टेंशन ही नहीं होने की। तो भाई मिलते हैं आपसे आगे। हम निकल चुके हैं और क्या नाम है, मुझे लेना उस भाई को जिस भाई की बाइक का चलान कटा था मेरे हाथों से बुलेट का। तो भाई चलते हैं जल्दी से भाई, मुझे तो लग रहा था क्रेजी का होने वाला है चलान, क्योंकि भैया कह रहे थे पुलिस वाले जो कल के ब्लॉग में, पर हो गया बुलेट का, क्योंकि शाम को मैंने बुलेट ले ली थी, क्योंकि ऋषभ बाइक ले गया था ये वाली, तो मैं जतिन वाली बुलेट मेरे पास थी, तो भाई चलान हो गया उसका 14,500 का, जैसे कि मैंने आपको डिटेल लिखा दी, सब चीज़ ब्लॉग में दिखाऊंगा प्रॉपर आपको मैं। अब बाइक रिलीज होगी, रिलीज के भी दिखाऊंगा, रिलीज के ऑर्डर ले ले पहले जाके कचहरी, जतिन खड़ा है बेचारा वहाँ पे, उसे ठालने में एक बार, जय हो माता रानी की, जय हो पीर बाबा की, जय श्री राम। तो भाई चलते हैं जल्दी से जतिन को उठाते हैं, और बाइक में फ्यूल लेवल बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें फ्यूल भी डलाते हैं अभी। चलो 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 जय श्री राम। भाई यहाँ पे आके एक चीज बहुत याद आ रहा है, यहाँ पे आके मैंने बहुत बैट बॉल खेला, इसका नाम है चांदमारी और शेरा क्लब, शेरा क्लब भी बोलते हैं चांदमारी। भाई यहाँ से सारा जंगल सफा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी MHO बनने वाला है दोबारा से, वहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे पूरी बहुत बड़ी पीछे यहाँ पे बैट बॉल खेलते थे हम, और आगे जाके उग्रनाथ मंदिर, वहाँ पे टेम्पल की चोटी दिख रही होंगी तुम्हें भाई, वो सोने की बनी हुई है और बहुत ही पुराने टाइम की। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए जय श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं, जतिन को उठाते हैं और चलते हैं जल्दी से, यही मिलेगा जतिन यही कहीं पे। ये हमारे फौजी भाई, देश के बहुत ही अच्छे नागरिक फौजी भाई हमारे, जय श्री राम। आया क्यों नहीं मैं, जतिन को फोन कर लिया जाए, वो जतिन
को भी साथ ले लिया, जतिन मेरे पीछे बैठा। अब जा रहे हैं हम गांधी बाग आ गए, हमें जाना है सीधा कोर्ट। तो बाइक निकालते हैं जल्दी से। कोर्ट जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंड की चूत ले, इन चूतियों के चक्कर में मैं तो फंस जाऊंगा। भाई गर्मी ऐसी हो रही है, हेलमेट पहन के दिबले से निकल गया भाई। ऐसी दिक्कत हो रही है, हेलमेट पहन के बहुत ज्यादा एक जाम साला, सबसे ज्यादा गुस्सा है जाम में। सबसे ज्यादा गुस्सा है जाम में भाई साहब, इतना जाम लग रहा देखियो। हाय हाय ताई है क्या। चला रहे उस पे जिस पे वॉक करते हैं ना लोग, वहाँ अभी से कुछ भी कह लो उस पे चल रहे हम। ले भाई ऐसा प्यार होना चाहिए शादी होने के बाद। बस रहना चाहिए बस। चलो भाई मिलते हैं आपको सीधा कोर्ट में, जब भैया के पास में। लो भाई घुस गए कोर्ट में, आ गया भाई। अब चलते हैं पहले भाई के पास जिनसे रिलीजिंग ऑर्डर लेने हैं। जब्बर भाई को बुलाते हैं इतने और गौरव, क्या हाल है मेरे भाई? तू भी वकील है? तू भी वकील है क्या? तू भी वकील है? बहुत थोड़े हो गए देख रहा है ना, छोटे छोटे को ये भी वकील है। बस सरकारी नौकरी है लौंडे की, चल सही है, बढ़िया लगा रहे। और बता तो गौरव, लग जाएगा भाई, भगवान करे सब लग जा। अरे बाइक का चलान कट गया था तो उसके रिलीजिंग वो लेना आया, सीज होगी 14,500 का। 14,500 सीज हो गई भाई? हाँ। कितने में छुट्टी चाहिए थी तेरा अंदाजा? 70% पे छुट्टी चाहिए। मतलब बोले तो फिर भी अंदाजा बता। 70% कर देना 15-14 में से। हाँ बता, 14,500 का था कर ले तो। 14 को जो बता रहा 70, मतलब ये देख ले 10,000 है तो 7। सो गाइस फाइनली रिलीजिंग ऑर्डर ले लिया हमने, जतिन मेरे साथ है। अब इसकी मम्मी को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी के नाम पे है ना बाइक। यार बाइक जो है फर्स्ट गियर में दिक्कत कर रही, पहला गियर नहीं पकड़ रही बिल्कुल भी, उसमें दिक्कत कर रही बहुत ज़्यादा। इसे भी दिखाते हैं, चलो पहले बाइक निकलवा लें एक बार। ये ले भाई गुंडे को ले आ रहे भाई। चलो जो भी है ठीक है भाई, भगवान करे सब सही रहे। बेचारा भाई भी जल्दी छूट जाए यार, पुलिस वाले भाई जान पूछ के थोड़ी पकड़े किसी को, गलती करते हो जब भी तो पकड़ेगी भाई। हमारी गलती थी, हम पटाखे मार रहे थे भाई। कोई नहीं भाई, भगवान सबका साथ देता है, हमेशा देगा और हमेशा देता रहेगा, इंसाफ हमेशा सही होगा भगवान की अदालत में। सो गाइस मिलते हैं सीधा आपको जतिन के घर के पास में, और उसके बाद बाइक निकालते हैं अपना थाने से। पर भाई एक चीज है, सख्ताई बहुत तगड़ी होगी, बुलेट तो भाई पटाखे मारो मत, क्योंकि
पुलिस वालों के अंडर में बहुत सारे बंदे रहते हैं, काम करते हैं, वो बता देते हैं किस बंदे की बाइक है। भाई घर के बाहर से बाइक जा रही है ऐसी थोड़ी चली आएगी, घर के बाहर से पुलिस वाले ऐसे थोड़ी ले आएंगे, किसी ने लोकेशन बताई है जब ही जाएगी। मैंने ऐसे कोई किसी की बाइक नहीं जाता। चलो तो भाई मेरठ कॉलेज तो पहुंच चुके, अब चलते हैं सीधे जतिन के घर पे, फिर मिलते हैं आप सब वहीं पे। भाई क्या नाम है, जतिन की मम्मी को भी आना पड़ेगा क्योंकि मम्मी के नाम पे है ना कार, तो वहाँ पे साइन वगैरह होंगे। भाई जतिन तो पुलिस वाले गाल दिया, मैं कह रहा तू पकड़ ले वाले। कभी किसी की बाइक मांगे मत चलाओ, चाहे तुम्हारे पास स्प्लेंडर है चाहे कोई सी बाइक है, कभी किसी की मांगे मत चलाओ। खाम खा का लहंगा फट गया 8,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकर बनवा दिए हैं, हर जगह एंकर शहद ले लो शहद। इतने ब्रेकर बनाने क्या जरूरत है, पूरी रोड पे पूरी 1 किलोमीटर की रोड नहीं है इसमें, वो ज्यादा ज्यादा 6 ब्रेकर बहुत थे, 200 मीटर दूर पे 5 बहुत थे। लहंगा फटने से बचो, ये देखो भाई इनकी आवाज हो गई कुछ नहीं कहने का, चाहे कैसे साइलेंसर हो इनकी आवाज को नहीं कहने का कोई कुछ। हाँ सर रेस लगानी पर हम नहीं लगाने गए। ऐसी कुछ नहीं, कहां से हो है लोगों के बेंच हो। अबे भाई रेस लगानी ट्रैक पे जाओ ना साली, यहाँ की मार मरा रहे हो। देखो भाई छपरी को देख लो, ऐसे हो गए छपरी नाम के एटीएम का बदनाम है कि एटीएम छपरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे दिक्कत क्या हुई थी, इसे रेस क्यों लगानी हमसे? बहुत बढ़िया भाई, रेस लगाते हम तो थाने आ रहे, बाइक छुड़वाना अपनी, ऑर्डर लेकर आए रिलीजिंग कोर्ट से। नहीं रेस वेस करते भाई अपना, बस ब्लॉगिंग करते हैं सिंपल अपना नॉर्मली। हाँ भाई अकेले सोलो राइड में मजा ही है। भाई साहब मैं अपनी बाइक यहीं लगा दूं, पहले गेट डलने में दिक्कत हो रही है, देख लियो जरा, मैं थाने से बाइक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ तुम्हें भी यकीन नहीं है क्या हम पे? पहले गेयर में दिक्कत कर रही है, देख लियो। हाँ डलने में दिक्कत कर रही है, पहला गेयर चला के देख आओ, 14,500 रुपये का चलाना है बुलेट पे। 14,500 का मजा आ गया वैसे है।
तरीका यार एक बात तो बता, इतनी जल्दी छूटती ना, एक महीने से पहले बाइक ना छूटती भाई सीज होने के बाद, और एक महीने से पहले छूटती ना सीज होने के बाद, और मैंने कल छूट देती वैसे तो हमारी, पर इनके चक्कर में दिक्कत हो रही थी, मैंने कहा कल छूट जाएगी फिर। 8,000 ज्यादा दे दिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें बता दिया। हाँ भैया चलो, आंटी का आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा ले भाई, है चल तो आएंगे से चलेंगे सामने थाना दिखाते हुए व्लॉग में। अंकल राम राम। हाँ व्लॉग चल रहा पूरा, भैया देख लिया पहले गेने डल लेते हैं। ओके तो आप आगे चलो भाई, जतिन की बाइक रिलीज होने वाली है, कितना खुश है देख रहे हो, दो दिन से इसका मुंह टट्टी सा हो रहा था, काले काले चुत्तड़ हो रहे थे। चलो भाई वे नूना कहने लगे पंकज भैया तेरी बाइक कौन है। मैंने कहा मैं तो खड़ी करके आ गया हूँ। बस तुम बाइक दे दो जल्दी, अब नहीं सॉरी दीदी है मेरी, दीदी है मेरी, मैं लोंडियाबाजी नहीं करता, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, मैं लड़कीबाजी नहीं करता, ये मेरी दीदी है। ये लो भाई कंकर खेड़ा थाना जनपद मेरठ आ गए हम, अब सीज लिख दिया वो तो हट जाएगा, वो तो वाइट नंबर से तो लिखा है। चलो भाई थाने आगे, कहाँ खड़ी है यो खड़ी भाई, नहीं होना है बोला, हमारे तो लाइन में लग गई, कहाँ है यहाँ योरी 90-36 लिख दिया भाई, यो वाली भाई अपनी बुलेट, चलो बात कर ले अभी बताते हैं आपको। अभी आगे बाहर रिलीजिंग ऑर्डर दे दिया उन्होंने, 8 बजे का टाइम दिया कि SO साहब आएंगे उनके साइन होंगे जब जाके बाइक निकलेगी। कोई नहीं, जतिन को भाई मैंने छोड़ दिया है, मतलब यहीं पर उसके रिलेटिव कोई आ रहा है वो उसे लेके चला जाएगा और मैं चलता हूँ घर। और चलते हैं घर फिर 8 बजे आते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए आई लव यू माई फैमिली, छोटी सी जो प्यारी सी है 2334 बंदों की, आई लव माई फैमिली। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे। बैठ भाई, तगड़े आदमी पैदल चलने वाले बंदे हैं हमारे, भाई बोलो की दुकान पे पूरे कोल्ड ड्रिंक पी लें भाई, देख ले भयंकर सुबह तेरा भाई, सुबह शंभू बोल ले, महाकाल का अंश बोल ले, फालतू मत बोल यार, बाइक छूट गई गुस्सा मत दिला, 8,000 रुपए लगे साले, गुस्सा मत दिला, ये 8,000 लगे हैं, अगर यहाँ दे देता 8,000 रुपए तो 2 बुलेट आ जाती, पर कोई नहीं चल चलो भाई, अब 8 बजे मिलता आपको थाने का सीन दिखाते हैं।